ये जी बेहतरीन सा मॉल बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पर, ये यहाँ पे पाया गली और ये बॉम्ब, ये बॉम्ब 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद ये जो मैं फेंक ही दिया पूरे नान को। हाँ 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 अरे जी चाचा नहीं है ना, ना पूछो। हाँ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब कुछ फाट ठीक ठाक है। एक खूबसूरत सी सुबह में आपको खुशामदीद, सुबह खैर। जिस तरह की ये सुबह खूबसूरत है, हल्का सा सूरज है, मकबूल सी सर्दी है, उस तरह का ये आज एक खूबसूरत सा नाश्ता हम करने जा रहे हैं। अक्सर लोग मुझे वीडियोज में नीचे पूछते हैं कि सियालकोट की कोई बेस्ट चीज़ आप बताएं जो कि हम ज़रूर जाकर ट्राई करें, तो मैं उनको कहता होता हूँ ये नाश्ता जो है ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। ले जी वंस अगेन हम पहुंच चुके हैं जमजम वालों के पास। अब इन्होंने दुकान जो शिफ्ट कर ली है, पहले उनकी दुकान वो साइड पे होती थी, अब यहाँ पे एक नई दुकान आ गई है। अक्सर लोगों को जमजम वालों की लोकेशन समझ नहीं आती, तो आज मैं आपको सिंपल और सादे अल्फाजों में बताता हूँ कि जमजम वाले है कहाँ पे बैठे। ले जी ये जमजम वालों की दुकान है नहीं, और ये जो रोड है ये इमाम साहब कब्रस्तान वाला रोड है, हाजीपुरा थाने के साथ बिल्कुल टर्न हो के उधर से आगे आता है, और ये इसके बिल्कुल सामने जो है ये हाफिज़ होंडा है, हाफिज़ होंडा के बिल्कुल अपोजिट जमजम वालों की दुकान है। और इस साइड पे अगर हम चले जाएं तो ये पुल एक वाली साइड पे जाता है जहाँ पे आगे सर्कुलर रोड टर्न हो जाता है। क्या करने आए हो सुबह सुबह साइकिल पे? ये लेने आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते भी हो कि नहीं? पढ़ता हूँ। स्कूल में तंग करते हो? हाँ। टीचर को तंग करते हो? नहीं। साइकिल आपकी बहुत प्यारी है। ये जी बेहतरीन सा मॉल बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पर, ये यहाँ पे पाया आगे और जी जी गली और ये बॉम्ब, ये बॉम्ब। अब ये वाला सीन देख के ना मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी से जाना दुआले डालने का, मुँह बंद कर रहा। अगर नाश्ता आपने अच्छा करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो नान है ना वो बिल्कुल गर्मा गर्म और तिलों से बड़े होने चाहिए नान, तो स्पेशल नान हम लगवाने चुराना तंदूर पे आ चुके हैं, अभी अंदर जाते हैं तंदूर का सीन भी दिखाते हैं और अपना एक स्पेशल सा नान लगवाते हैं, रिच सा कर। अपना स्पेशल नान लगवा लिया जो की मैं हर जगह जाके लगवाता हूँ, हाथ वाला नान और ऊपर तिल। ये जी हाथ से नान ब्रश करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद ये किलो में फेंक ही दिया पूरे नान को, यार किलो के सीन चेक करो इसको। ये जी हमारा खूबसूरत सा नाश्ता आ गया और ये खूबसूरत सा भाई आ गया। क्या नाम है आपका? हमजा। आप इधर ही होते हैं जमजम जी? इधर ही होते हैं। आपने जब जमजम पे आना है ना, तो ये हमजा भाई से पूछ लेना, ये आपको बेहतरीन सा नाश्ता देंगे जिस तरह इन्होंने मुझे दिया।
भोग पाए के असली वाली मोटी डाल देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा खूबसूरत सा नाश्ता आ गया, ये हमारे स्पेशल किस्म के नान आ गए जो कि हमने खुद लगवाए हैं, किलो वाले नान किलो से भर दिया उन्होंने, ये देख सकते हैं आप। और ये वाला नान ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसे हम किला करेंगे। पहले हमारे पास सबसे पहले हैं ये चने, चने कोफ्ता, और उसके बाद जो है ना ये बोंग पाए हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है यार। बिस्मिल्लाह कहते हैं सबसे पहले चनों से, कि जब आप पाए खा के चने खाते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता, जो पायों का टेस्ट होता है ना वो ओवरकम कर जाता है चनों के टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ट्राई करने चाहिए चने और फिर उसके बाद पाए, अगर आप दोनों चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप एक खा रहे हैं सिंपल चने ट्राई करते हैं। ओह यार चनों का तो टेस्ट आ रहा है, वो तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो तिलों का टेस्ट आ रहा है ना, जो इतने तिल बढ़ती है ना नान से। फिर चने ट्राई करते हैं कोफ्ते के साथ, आधा कोफ्ता ले लिया ये यहाँ से चने। तीन किस्म के चने हैं, जिस तरह के चने होते हैं ग्रेवी वाले चने, एक होते हैं खोए वाले चने, एक होते हैं ग्रेवी वाले चने। ग्रेवी वाले चने और चने की खासियत ये है, अगर आपने चने खाने हैं किसी जगह से ये देख लें पहले, उनका जो चना है वो सख्त तो नहीं है, ये बिल्कुल नरम है, मैंने इस तरह किया ये मसल गया, तो ये क्वालिटी होती चने। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिर्ची नहीं साथ ले रही, ये मिर्ची हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर रखी हुई है, प्लेट खूबसूरत है, मिर्ची में खाता नहीं। ये जी हमारी खूबसूरत सी प्लेट है, ये इसमें ये नलियाँ, नली सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपनी बुड़की में, उसके बाद ये आ गई बोंग। ओए हो यार, ये बोंग का लेवल चेक करें, ये चेक करें, ये चीज़ होती है बोंग। जब भी आप बोंग खाएं ना तो बोंग इस तरह की होनी चाहिए, ये इस तरह की है और ये मेल्ट हो गई, मतलब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही टूट गई। बोंग और नलियाँ, इसका एक खूबसूरत सा नाम इतना मेल्ट हुआ हुआ है कि मुझे सिर्फ नान चबाने पड़ रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने बोटी भी खाई है कि नहीं। वो बोटी बिल्कुल मलाई है, मलाई पाया ट्राई करते हैं, एक पाए की बोटी और इसमें डिप करेंगे, फुल शोरबे में डिप करेंगे। हाय हाय हाय, अरे जे चासा नहीं है ना, ना पूछो ये जायका आया ना, अभी मेजर नहीं कर सकते। तीनों चीजें इकट्ठी लेते हैं और मैसिव किस्म की बोटी, ये देखें नली बोटी बोंग की, और ये बोटी पाएगा, इतना वैसे बड़ा मेरा मुंह नहीं है जितनी मैंने बुड़की ले ली हुई है। ये पता नहीं अब मेरे मुंह में आएगी कैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। ना ही पूछो, हम लोग आए कचहरी रोड से, लेकिन इनकी साफ सुथराई बड़ी अच्छी है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, हमें तो बड़ा मज़ा आता है इनका नाश्ता करने में। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो नाश्ता ऐसे मेरे भाई मुझे लेके आए हैं, उन्होंने कहा बड़े मशहूर नाश्ता है यहाँ पर, तो बस किया तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा साफ सुथरा मसाला, अच्छी प्रोडक्ट है जो भी इन्होंने बनाई है, अच्छा लगा। पाए मैं तो पाए खाए जी, नहीं जी ये बॉयज आए हैं, ये मेरी वीडियो देख के यहाँ पे माशाल्लाह से नाश्ता करने आए हैं, कैसा लगा नाश्ता? बड़े दुखी आते हैं, सब तो बहुत मजा आता है, भट्ट साहब बेचारे जो 1800-1500-2000 लेकिन बहुत मजा आया। माशाल्लाह से जब भी आते हैं तकरीबन वो पहले वाला ही टेस्ट आता है हमें, ले जी नाश्ता तो हमने कर लिया, नाश्ता था बहुत जंगो किस्म का और पाए शाए खा के अंदर जो है ना ऑयल थोड़ा सा जमशम गया होना, तो मेरा ख्याल है कि सर्दी भी काफ़ी उरूज पे आ, तो हमें ट्राई करनी चाहिए कोई चाय, एक अच्छा सा चाय स्पॉट मुझे यहाँ पे पता है, एक अच्छा सा टी स्टॉल मुझे पता है, वहाँ से जाके चाय पीते हैं और मतिर मान को भी चाय पिलाते हैं। हाँ भाई नाश्ता किया आज, अच्छा मैं उठ गया था, ये माशाल्लाह से लगा हुआ था अपना खाने, हैं सिस्टम है, चाय की है तलब, पियोगे चाय? चाय पियोगे? दो तीन कप पियोगे? भाई हम तो एक ही पियेंगे क्योंकि हम इतने चाय का शौकीन नहीं है, लेकिन आज वैसे ही दिल कर रहा है कि चाय पीने का। अस्सलाम वालेकुम, वैसे क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? एक ज़रा दूध पत्ती ला दो, एक नहीं दो, दूध पत्तियाँ ला दो, बेहतरीन क्या है, माशाल्लाह से कुरान चल रहा है, सुबह सुबह हमारी शॉप्स पे जो है ना वो लोगों ने लगाए होते हैं, ये कुरान टाइम होता है।
सुबह साढ़े अठ बजे लै गए दो ले जी। ये हमारी दूध पत्ती चाय आ चुकी है और ये मतिरमान साहब भी बैठ के पी रहे हैं। कितने कप पियोगे? दस पंद्रह पी लोगे? हाय कैसी हो? मिला करते हैं चाय। हाँ मज़ेदार है यार। जिस चाह में चाह ना हो मैं वैसी चाह नहीं पीता, जिस चाह में चीनी ना हो मैं वैसी भी चाह नहीं पीता, फिक्की चाह नहीं पीता। हमारे यहाँ ना डबाज है सियालकोटी होंगे तकरीबन, तो चीनी तुन के डालते हैं चाय में। अच्छा यार चाय के वैसे तो बहुत सारे स्टॉल होते हैं, लेकिन जो चाय के असल खोखे होते हैं ना, पुराने पुराने खोखे, उनसे चाय पीने का स्वाद अलग ही होता है। जो कहले के टी स्टॉल होते हैं चाय के खोखे, जिन पर सुबह सुबह रश लगा होता है और शाम को रश लगा होता है। सुबह सुबह बुजुर्गों का यही होता है कि सुबह सुबह उन्हें चाय ज़रूर चाहिए होती है, फर्स्ट टाइम चाहे खाना दो ना दो चाय ज़रूर चाहिए। तो इस तरह के स्टॉल्स पर जो है ना अक्सर बुजुर्गों का रश होता है। अभी मेरे सामने ये बैठ के बाबा जी एक चाय पी लेते हैं। चाचा जी की मोहब्बत है माशाल्लाह से, इन्होंने पैसे नहीं लिए। थैंक यू सो मच चाचा जी। जी चाय वगैरह हमने पी ली है और फ्रेश फ्रेश हो गए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है इतना, वैसे तो हम 8-10 बजे उठते होते हैं, 9 बजे जिस दिन यूनिवर्सिटी वगैरह ना जाना हो उठते हैं, पहले नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं और फिर 10-11 बजे उठते हैं अपनी रूटीन के हिसाब से। लेकिन आज हम जल्दी जल्दी उठ गए थे। मतिरमान जो है वो क्रिकेट खेलने चला गया था, इसको मैं वहाँ से पकड़ के लाया हूँ। मुझे इतना क्रिकेट का शौक़ नहीं है, ना ही मैं बचपन से कभी क्रिकेट खेलने गया, लेकिन मैं ऐसे कभी कभी खेल लेता हूँ क्रिकेट। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। तो अक्सर लोग पूछते होते हैं मेरे व्लॉग्स में कि हमें सियालकोट की कोई चीज़ रिकमेंड करें जो कि हमें ज़रूर खानी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा रिकमेंड किया है, अगर सियालकोट की जो चीज़ आपने आँखें बंद करके खानी है वो जमजम के पाए खा लें मेरी रिकमेंडेशन पर। अगर मज़ा ना आया पैसे मुझे वापस ले लीजिएगा। जमजम पर चाहें पाए खाएँ और वहाँ पर मेरा रेफरेंस भी चाहे दे रहे हैं आपको, हो सकता है कोई डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाए। बाकी आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत फिट रहा था। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।